हेलो दोस्तों, मैं एक्शन आर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्य कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स क्लास बहुत ही सरल तरीके से हमारे साथ। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस होंगे हमारे कूलम्स लॉ पर। ठीक है, तो आज हम लोग कूलम्स लॉ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने अभी 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके बाद में हम लोग और भी देखेंगे जो इसका कुछ कठिन लेवल होता है उन पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। और फिर मैं कहूंगा कि अगर आपको अभी तक न्यूमेरिकल्स कठिन लगते थे तो इस क्लास के खत्म होने के बाद में आप कहेंगे कि आपको न्यूमेरिकल्स अब सरल लगने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आप लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। और एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं बोलूंगा, जैसे समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, उसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, तो आज के हम क्लास शुरू करेंगे, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा यदि बेल आइकन आपका प्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज क्लास में मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है, यदि -80 माइक्रो कूलम का आवेश किसी चालक पर उपस्थित है तो उस चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया है। और ये बात याद रखिएगा, जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं या फिर आगे लेने वाला हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर बताया गया है कि -80 कूलम का आवेश है, माइक्रो कूलम का आवेश है। और आवेश अगर है तो हमें पता है कि आवेश किससे लिखा जाता है, तो आवेश को हम लिखते हैं क्यू से, मतलब हमारा क्यू जो दिया गया है, हमारा कितना दिया गया है, तो -80 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है। अच्छा बच्चा, एक बात जरूर याद रखिएगा कि हमेशा आवेश कूलम में होना चाहिए। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होना चाहिए, कूलम होना चाहिए, और जो हमारा दूरी का जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। ये सारी छोटी मोटी बातें याद रखिएगा। तो यहाँ पर Q इक्वल टू कितना है, -80 माइक्रो कूलम है, हमने बताया ना आवेश किसमें होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे कूलम में कर देते हैं, -80 माइक्रो को हम कर देते हैं 10^-6 कूलम। ठीक है, अगर माइक्रो कूलम है तो 10^-6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो आ जाता है फिर कूलम में। तो क्यू का वैल्यू हमने ले लिया है -80 माइक्रो कूलम, तो -80 माइक्रो कूलम का मतलब है -80×10^-6 कूलम, ये आवेश दिया गया है। पूछा क्या गया है, तो उस चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक पर उपस्थित हैं ये हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ज्ञात करना है। अब याद करिए, पिछले वाली क्लासों को तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब भी आवेश दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तब हम ऐसा ही फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो और आवेश पूछते तब भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं क्यू इक्वल टू एन ई, क्योंकि क्यू दिया हुआ है, एन हमें फाइंड करना, और ई का वैल्यू तो हमें सबको पता है कि ई इक्वल टू होता है 6×10^-19 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश ही तो होता है, तो हम यहाँ पर एन निकालना चाहते हैं, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू के अपान में आ जाएगा, हम कह सकते हैं एन इक्वल टू हो जाएगा बच्चा क्यू अपान में ई, क्यू अपान में ई। और यहाँ पर हम रख देते हैं क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू है 80×10^-6 कूलम। यहाँ पर क्या लिखते हैं, Q का वैल्यू हमने रख दिया है 80×10^-6 कूलम, और यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है सबको पता है 1.6×10^-19 कूलम होता है, ये हमने रख दिया है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम 0.16 है ना, यहाँ पर से दशमलव हटाते हैं और 80 ऊपर है तो 10 बढ़ा देंगे, 800 हो जाएगा बच्चा, आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, अब 800/16 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह यहीं पर की इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए n = क्या हो जाएगा, 16 का हम अगर डिवाइड करते हैं 800 में तो
16 बच्चे 80 होता है, एक जीरो बच जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा। ये 50 × 10⁻⁶ है ऊपर, और 19 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻ का 19 जाएगा ऊपर। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, सो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 × 10⁻⁹ से 6 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटा दीजिए कितना बचता है, तो यहाँ पर बचेगा 13। ठीक है, तो ये हमारा बचेगा 50 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 5 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस जो बॉडी पर, मतलब उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, 5 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स उसमें उपस्थित होंगे। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से क्यू बराबर एनी फॉर्मूला लगाया और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। एक बात और आगे की न्यूमेरिकल्स बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं इनको भी हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, मान लिया अगर यहाँ पर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश उपस्थित है और एक पर 12 माइक्रो कूलाम का आवेश उपस्थित है, कभी भी इन दोनों बॉडीज को आपस में जोड़ा जाता है और उसके बाद में फिर अलग कर दिया जाता है, फिर सेपरेट कर दिया जाता है, तो दोनों पर कितना कितना आवेश होगा, तो याद रखिएगा जब हम इन दोनों बॉडीज को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में होगा क्या, जो टोटल आवेश, जिसमें ज्यादा आवेश होगा उसमें से आवेश चक्कर के कम वाले बॉडी में आ जाएगा, और फिर इसको जब हम अलग कर देते हैं तो वो आवेश जो है बराबर संख्या में वितरित हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जैसे हम इसे जोड़ेंगे और उसके बाद अलग करेंगे तो अब बॉडीज पर जो हमारा आवेश उपस्थित होगा, इस पर 10 माइक्रो कूलाम, इस पर 12 माइक्रो कूलाम अब नहीं होगा क्योंकि हम उसे जोड़ चुके हैं, तो आवेश का स्थानांतरण हुआ होगा। ठीक है, अब स्थानांतरण होने के बाद में कितना कितना आवेश दोनों पर हुआ होगा, तो याद रखिए हमें ऐसी कभी भी कंडीशन का है कि दो बॉडीज है उनको जोड़ा हमने और उसके बाद में फिर अलग कर दिया तो दोनों पर अलग अलग आवेश कितना होगा, तो हम दोनों के आवेशों को जोड़ लेते हैं, 10 और 12 जोड़ लीजिए और उसके बाद में अगर दो बॉडीज हैं तो दो बॉडीज से 2 से भाग कर दीजिए, 3 बॉडीज हो तो 3 से भाग कर दीजिए, जितनी बॉडीज आपस में जुड़ी जाती है उनसे हम भाग कर देते हैं, तो एक बॉडी का आ जाता है हमारा आवेश। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये हो गया 22 / 2 मतलब 11 माइक्रो कूलाम आवेश इस पर भी आ चुका होगा और 11 माइक्रो कूलाम आवेश इस पर भी आ चुका होगा। जब भी हम किसी दो बॉडीज को, तीन बॉडीज को आपस में जोड़ते हैं और उसके बाद में फिर अलग कर देते हैं तो उन सभी बॉडीज पर हमारा जो चार्ज है एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पहले 10-12 कम ज्यादा था, लेकिन जैसे जोड़ेंगे और फिर अलग कर देंगे तो उनके आवेश में बराबर, मतलब दोनों के आवेश बराबर हो जाते हैं और जिसमें ज्यादा आवेश होता है उसमें कम वाले आवेश में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा और इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, यदि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत बल एफ है, कोई दो आवेश है और उन दोनों आवेशों के बीच कार्यरत बल एफ है, बाद में उन दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है। ध्यान से देखिएगा, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत बल कितना है, F बताया गया है। अच्छा, आवेश बताए गए क्या, कितने कितने हैं, नहीं बताया गया। जब आवेश नहीं बताए गए हैं तो आपको क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है, दोनों आवेशों को हम मान लेते हैं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। हमने एज्यूम कर लिया कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी बताई गई है क्या इस क्वेश्चन में, तो बीच की दूरी भी नहीं बताई गई है, तो हम बीच की दूरी को भी एज्यूम ही कर लेंगे, हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, दोनों आवेश Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी अगर R है तो इनके बीच में कितना बल लग रहा होगा, तो उसने बताया है इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो F है, यहाँ पर दिया है ना, यदि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत बल F है, तो ये दोनों आवेश इनके बीच की दूरी R है तो इन पर कार्यरत बल क्या होगा, F। F बराबर में क्या होता है, फार्मूला हमें पता है, K इंटू Q1
Q2 अपान में R स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। कूलाम के नियम से हमें ये फार्मूला मिला था K = Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बल निकल के आया है। अब बाद में क्या किया गया है, लिखा है बाद में उन दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाता है, मतलब प्रत्येक आवेश को दोगुना कर दिया जाएगा। अब आवेश को जरा दोगुना करते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर मिटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार जो बल निकलेगा वो कितना हो जाएगा, जब आवेशों को दोगुना कर दिया जाएगा और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाएगा, तब बल कितना होगा, अब हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया उस समय बल कितना हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, के तो कॉन्स्टेंट होता है बच्चा, के को ऐसे रखेंगे, लेकिन आवेशों को दोगुना करना है। Q1 को दोगुना कर दीजिए तो यहाँ पर 2Q1 कर दीजिए, इनटू में Q2 को दोगुना कर दीजिए अर्थात 2Q2 कर दीजिए, और अपान में बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, मतलब R को हमें आधा कर देना है, R हो जाएगा R/2 और का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने ये देखा। अब हम क्या करेंगे, F-2 यहाँ पर हो जाएगा K, 2 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 4। इसको हम जरा अलग कर देते हैं या फिर शुरुआत में लिख देते हैं, 2 × 4 इनटू में लिख दिया के, और Q1 Q2 ऐसे लिख दीजिए Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, और अपान वाला जो 2 का स्क्वायर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 पलट के जब ऊपर आएगा तो 4 × 4 का गुणा 16 हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि F-2 क्या होगा, तो F-2 4 × 16 इंटू में के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए जरा, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ से K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये एग्जैक्टली इस वाले इक्वेशन के बराबर है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम F लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम F लिख सकते हैं, तो F-16 F हो जाएगा। हमें ये अब देखने में आराम से समझ में आ रहा होगा कि जो दूसरा जो बल है, बाद में जो परिवर्तन करने पर जो बल निकल के आया F डैश, वो पहले वाले बल F का कितना गुना हो गया है, 16 गुना हो गया है। तो हमें पूछा गया था कि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बल कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा पहले से। ठीक है, तो इस तरह से हम देखकर बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 लाइन के क्वेश्चन हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आपको समझना जरूरी है। आप समझते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आप लोग बस देखते रहिए वीडियो, और उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स लगेंगे बिल्कुल सरल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया गया है, एक समान रूप से आवेशित दो गोले, गोलों के बीच कार्यरत प्रतिकर्षण बल F है। एक समान रूप से दो आवेशित गोले हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कितना कार्य कर रहा है, F कार्य कर रहा है। जो कह रहा है उसको ध्यान से समझना है, ठीक है, और मतलब इमेजिन करते रहना है कि आखिर कैसे गोले उनके बीच में बल कार्य कर रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, आगे बताया गया, यदि एक अन्य अनावेशित गोले को पहले गोले A के समीप लाया जाता है तथा पुनः उसको अलग करके A व B के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, तो इस गोले पर कार्यरत नेट बल की गणना करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं इसे तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग देखते रहिए और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बताया गया यहाँ पर दो आवेशित गोले हैं और दोनों पर आवेश कैसा है, समान, एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक समान रूप से आवेशित दो गोले हमने मान लिया, ये माना गोला ए है और ये दूसरा गोला है बी। ठीक है, दो गोले हैं हमारे पास ए और बी, इनके बीच का दूरी हमने क्या मान लिया है, इनके बीच की दूरी हमने मान ली है आर है। ठीक है, दो आवेश गोले और दोनों पर समान आवेश है, मतलब इस पर भी क्यू है तो इस पर भी क्यू है, दोनों पर समान आवेश है, दो आवेश गोले हैं, कैसे, एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली है, आर मान ली है, इसमें तो दिया नहीं गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब बताया गया इनके बीच में जो बल है वो कितना लग रहा है,
F लग रहा है, इनके बीच में कार्यरत बल कितना है, F is equal to क्या हो जाएगा, तो F is equal to हो जाएगा K into Q1 Q2 upon R square। बच्चा Q1 कितना है, Q, Q2 कितना है, वो भी Q, तो Q1 Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, Q into Q मतलब Q square, तो K Q square upon में क्या है R square, तो यहाँ पर R square कर दिया। मतलब कहने का ये है इनके बीच में अभी कितना बल लग रहा है, तो अभी तो बल लग रहा है K Q1, सॉरी K Q square upon R square। लेकिन इसके बाद में कुछ किया गया है, क्या किया गया है बताया, यदि अब यदि एक अंत अनावेशित गोले को पहले गोले A के समीप लाया जाता है तथा पुनः उसको अलग करके A और B के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, तो इन गोलों पर कार्यरत नेट बल की गणना करो। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि एक अनावेशित गोला अब लिया गया है, एक तीसरा गोला आया, अनावेशित गोला आया, हमने मान लिया उस गोले का नाम है C, अब इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, मतलब इस पर जीरो आवेश है, और उसको क्या किया गया है, अब एक अनावेशित गोले को पहले गोले A के समीप लाया जाता है, मतलब इस C को हम A के समीप लाएंगे, और A के समीप जब लाएंगे तो A, A में तो चार्ज था लेकिन C में नहीं था, तो अब क्या होगा, A से कुछ चार्ज निकल करके C में चला जाएगा। ठीक है, अब कितना चला जाएगा, उसके बाद में फिर इसको अलग कर दिया जाएगा, तो कितना चार्ज C पर आ जाएगा, कितना A में बचेगा, अभी हमने बताया था जब भी दो गोलों को आपस में जोड़ा जाता है और बाद में अलग कर दिया जाता है तो उन दोनों पर आवेश समान मात्रा में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर Q आवेश था, तो जब Q आवेश यहां पर था और C पर जीरो आवेश था, तो इन दोनों पर कितना आवेश हो जाएगा, Q और जीरो को जोड़िए और उनको दो से भाग कर दीजिए, क्योंकि दो में बांटना है इस आवेश को, तो मतलब Q by 2 आवेश इस पर रहेगा और Q by 2 आवेश इस पर रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर अब आवेश बचेगा, यहां पर हम दूसरी सिचुएशन यहां पर दिखा रहे हैं, गोला नंबर ए ये है, इस पर अब कितना आवेश है, Q by 2 है, लेकिन B में अभी कोई भी परिवर्तन हमने नहीं किया है, अर्थात B पर हमारा आवेश कितना है, Q है, A पर कितना बचा है, Q by 2, और B पर कितना है, Q है, और C पर कितना है, तो C पर भी Q by 2 अब आवेश पहुंच चुका है, और उसे रखा कहां गया है, बताया गया है A और B के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, मतलब A और B का जो मध्य बिंदु है यहां पर, ठीक है, यहां पर C वाले को रख दिया जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर C वाले को रख दिया और इस पर आवेश कितना है बच्चा, तो बताया गया है Q by 2 हो गया है। ठीक है, क्योंकि Q था इस पर, दोनों ने आधा आधा बांट दिया क्योंकि इनको कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर Q by 2 है, यहां पर Q by 2 है, यहां पर Q आवेश है, अब पूछा क्या है, तो इस गोले पर कार्यरत नेट बल की गणना कीजिए, किस गोले की बात कर रहा है, ये गोले नंबर C, मतलब C पर कितना बल कार्य कर रहा होगा, ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिएगा जरा, अभी हम लोग देखने वाले हैं, एक बात याद रखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बता देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझ पाए तो फिर आप दिक्कत पा सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम एक छोटी सी बात आपको साथ में बता देते हैं, इसको मिटा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखिए बच्चा, अगर दो से अधिक, तीन चार पांच जितने भी चार्ज होते हैं, अगर कहीं पर भी उपस्थित हो तीन चार चार्ज हैं और हमें किसी एक चार्ज पर बल ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं, मान लिया हमें इस पर बल ज्ञात करना है, तो इस पर अगर हमें बल ज्ञात करना है तो याद रखिए इस आवेश के अलावा हम देखते हैं कितने आवेश अभी शेष हैं, जितने आवेश शेष हैं वो सारे के सारे आवेश मिलकर इस पर बल लगाते हैं, मतलब जितने भी आवेश होते हैं उस आवेश के अलावा वो सारे के सारे आवेश इस पर बल लगाएंगे, मतलब ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा, उनका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, ये जो बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब जितने भी आवेश हैं और हमें किसी एक आवेश पर बल ज्ञात करना है, तो उस आवेश के अलावा जितने भी आवेश होते हैं वो सारे के सारे आवेश उस आवेश पर बल लगा रहे होते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा हमें सी पर बल ज्ञात करना है, तो सी पर बल केवल ए नहीं लगाएगा, बी भी लगाएगा, क्योंकि इसके अलावा दो बल और हैं, ये दोनों इस पर बल लगाएंगे, अब ये बल कितना लगाएंगे,
ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम ए के कारण कितना बल लगेगा और फिर बी के कारण कितना बल लगेगा, दोनों के बल को हमें जोड़ लेना है। लेकिन हमें क्या वास्तव में जोड़ना ही है, तो ऐसा भी नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं इसका डायरेक्शन किधर है, मतलब जो बल लग रहे हैं उनका डायरेक्शन किधर है। जो ए वाला है, ए वाला गोला इस सी वाले पर किस तरफ बल लगाएगा, तो इसकी जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी। हम कहेंगे F पर जो, मतलब C पर जो बल लग रहा है A के कारण, मतलब FCA जिसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। C पर बल लग रहा है A के कारण FCA, FCA का डायरेक्शन ये है हमारा। और जो B जो लगाएगा C पर बल, उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं FCB, मतलब ये B के द्वारा बल लगाया जा रहा है जिसका डायरेक्शन इधर है, और A के द्वारा बल लगाया जा रहा है इसका डायरेक्शन इधर है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आंसर मिलना चाहिए नहीं, बिल्कुल एक इधर बल लगा रहा है एक इधर बल लगा रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं तो हमेशा हमें रिजल्टेंट अगर प्राप्त करना है, इसका रिजल्टेंट फोर्स याद करना है, तो हमें घटाना होता है। और अगर सेम डायरेक्शन में दोनों बल होते हैं तो हमें जोड़ देना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सी पर नेट बल लगेगा, नेट बल हम कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, हम इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, इनको घटाना पड़ेगा एफ सी बी और माइनस एफ सी ए, ठीक है, एफ सी बी माइनस एफ सी ए। क्यों हमने घटाया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे होते तो हम यहाँ पर क्या करते, प्लस कर देते, लेकिन जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हमें क्या करना होता है, इसे हमें घटाना होता है, तो हम घटाएंगे यहाँ पर। अब देखिएगा जरा यहाँ पर कितना बल हो जाएगा, तो एफ सी बी, सी बी मतलब सी के द्वारा बी, C पर लगने वाला बल B के द्वारा, यहाँ पर हम इसे Q1 और इसे Q2 मान सकते हैं और बल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा F is equal to, फार्मूला क्या होता है, K into Q1 Q2 upon R square। बच्चा यहाँ पर R क्या है, तो ध्यान से देखिए, पहले इन दोनों के बीच की दूरी R हमने मानी थी, और अब यहाँ पर कितनी दूरी है, तो अब इनके बीच की दूरी, बीच ये मध्य बिंदु था, इसलिए इनके बीच की दूरी R by 2 और R by 2, मतलब आधी आधी बट गई होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें क्या करना है, Q1, Q1 हम यहाँ पर Q by 2 मान लेते हैं, क्योंकि C और B के कारण निकालना है सी बी, ठीक है। तो C पर कितना है Q by 2 और B पर कितना है Q, तो Q1 Q2 अपान R square, K Q1 Q2 अपान R square, यही फार्मूला होता है ना। तो K Q1 कितना हो गया Q by 2 into Q2 क्या हो जाएगा Q और अपान में R square, यहाँ पर दूरी कितनी है R by 2, तो यहाँ पर हो जाएगा R by 2 का square, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर FCA, FCA मतलब C पर लगने वाला बल A के द्वारा, तो कितना हो जाएगा, तो फिर यही फार्मूला हो जाएगा K into Q1, यहाँ पर Q1 क्या हो जाएगा, तो Q1 मतलब C पर लगने वाला बल और Q2 यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर A पर लगने वाला बल, ठीक है। तो Q1 क्या है, so Q by 2, Q1 कितना हो जाएगा Q by 2 और into में यहाँ पर Q2 क्या हो जाएगा Q by 2, तो ये हो गया हमारा K equal to Q by 2, Q1 भी हो गया Q by 2 और Q2 भी यहाँ पर Q by 2 है अपान में R square। अच्छा यहाँ पर क्या दूरी है, तो यहाँ पर दूरी है R by 2, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे R by 2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है हमें, हमने यहाँ पर क्या किया FCB निकाला और माइनस FCA किया है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में थे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे K into Q1 Q2, ये हम जब गुणा करेंगे Q और Q का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Q स्क्वायर और अपान में क्या है 2, और इसी प्रकार में यहाँ पर क्या आ जाएगा R स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर हम जब वैल्यू यहीं पर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा Q और Q का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपान में 2 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और अपान में यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हमें एक चीज देखना है, कॉमन क्या क्या मिल सकता है, या फिर हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हम क्यू से फोर से फोर कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ पर तो टू है, तो टू को हम फोर से कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा टू बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये इक्वेशन हमारा बचेगा के इंटू क्यू स्क्वायर बचा अपान में ये जो टू है, ये वाला जो टू है ये पलट के तो ऊपर आने वाला है ना,
तो यहां पर हमने इस 2 को यहां पर पहुंचा दिया, ठीक है, पलट के ऊपर आएगा और अपान में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस में यहां पर क्या होने वाला है, के क्यू स्क्वायर, अपान में यहां पर क्या बचा है, तो यहां पर है आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका है। अब आगे हमें क्या करना है, देख रहे हैं कि सेम कंडीशन है, यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन मिल रहा है, के क्यू वन तो हम ले लेते हैं इससे कॉमन। तो जब हम इसे कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो सिंपल सी बात है, हम कॉमन ले लिए k इनटू q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसको हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1। और जब यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा तो अब हम इसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपान में r स्क्वायर और इनटू में 2 से माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, इससे कोई लेना देना अब नहीं रहता है क्योंकि मल्टीप्लाई जो हम किसी 1 के साथ में करते हैं तो उतना ही रहता है। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपान में r स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो बल है c पर लगने वाला बल, हम c पर लगने वाले बल को अगर हम f डैश मान के चलते तो f डैश इक्वल टू हमारा कितना निकल रहा है, तो f डैश इक्वल टू k q स्क्वायर अपान r स्क्वायर, और पहले a और b के बीच में लगने वाला बल कितना था, तो वो भी था k q स्क्वायर अपान r स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि f डैश जो है वो f के बराबर ही है, f डैश जो है वो f के बराबर है। इसका मतलब है कि c पर लगने वाला बल भी उतना ही होगा जितना a और b के बीच में लग रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन को भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी बस इतना है कि हमें ध्यान रखना है ये कि यहाँ पर कोई गलती ना हो पाए, क्योंकि q by 2 करने में यहीं पर गलती हो जाती है कि आखिर यहाँ पर c पर q by 2 और a पर q by 2 कैसे आया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अगर गलतियाँ आप नहीं करते हैं तो बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी है आपको समझना कि आप कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इससे कठिन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आसानी से बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आज क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।